Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जाता है और साथ साथ कल कैप्टन ड्राइट सफदर ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया. उन्होंने कहा जी असल कैप्टन तो मैं हूँ, इमरान खान तो जाली कैप्टन है. उसके बाद हमने देखा इलेक्शन कमीशन में इमरान खान ने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की और साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई ऐसी वैसी बात कहूँ और इलेक्शन कमीशन का जो है मुकाम गिराना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. 126 दिन का धरना जो था वो इसलिए था कि ट्रायल फेयर और शफाफ इलेक्शन हो सके और वही उनका जो है अगला स्टांस था. बहरहाल हमने देखा कि तहरीके इंसाफ के हवाले से कई जो उनके गले में केसेस थे, कल दो केसेस उनके पास से ख़त्म हो गए. उनका जो भी मुआफ़ीनामा था वो जमा हो गया और तहरीके इंसाफ अभी बहुत ज़्यादा सुकून की हालत में है और उनकी जानिब से, उनके रहनुमाओं की जानिब से बहुत ज़्यादा इजहार इत्मीनान किया जा रहा है. चले जनाब, आज का शो और आज के अखबार खबरों से भरे पड़े हैं क्योंकि कल का दिन इंतहाई अहम था. कल बहुत सी एक्टिविटीज़ होती रहीं जिसकी वजह से कल हम शो भी नहीं कर सके, उसके तो सबसे पहले माजत. इसके अलावा जनाब, एक तरफ जहां नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत में पेश ना होने पर उनके खिलाफ काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान भी कल इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हुए और सारी घनगरज जो कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से थी उसको माफीनामे के एविज देकर अपना केस जो है वो भरपूर तरीके से निपटा लिया. फिर कल जहां एक तरफ केस निपटने की खुशी थी, वहीं पर यह खुशी दुबाला तब हुई जब हल्का एन 104 में होम ग्राउंड पर मैच जीतकर पीटीआई फाते रही. मैच की बात से याद आया जनाब, कल तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वैसे ही बड़ा कमाल कर दिया, पहला T20 जीत लिया और वो तमाम लोग जो कहते थे कि वनडे जीतने से कुछ नहीं होता, असल खिलाड़ी वो होता है, असल टेस्ट वो होता है जो टेस्ट सीरीज जीत पाता है, तो बिल्कुल ऐसे लोगों को कल मेरा ख्याल है भरपूर जवाब मिल चुका होगा कल का मैच देखने के बाद. साथ ही साथ जनाब, कल एक बड़ी तकरार भी सामने आई जिसमें भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो गया. बिल्कुल जनाब, मैं बात कर रही हूँ शाह महमूद कुरैशी की और उनके भाई की, और शाह महमूद कुरैशी के भाई ने उन पर इल्जाम की बौछार कर दी है और आज जो है वो हमारे साथ मुरीद कुरैशी शो में भी मौजूद होंगे. उनसे इसी सब पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहत है कि भाई भाई के अगेंस्ट इतना तल्ख जो है वो जबान इस्तेमाल कर रहा है और क्या ऐसी वजूहत थी, इन सब पर आगे चलकर हम बात करेंगे शो में. कुछ तस्वीरें हमारी टॉप स्टोरीज का. पहले नाअहली, फिर फर्द जुर्म और अब वारंट गिरफ्तारी. साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के गिर्द कानून का शिकंजा कसा जाने लगा. एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी. मरियम नवाज और कैप्टन सफदर चौथी बार कटहरे में आए. पेशी के बाद मरियम नवाज ने तोपों के दहाने खोल दिए. ऐसे वक्त से गुजरे हैं, बड़ा नाजुक वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे. एहतसाब तो वो होता है कि अदालत के रास्ते से गाड़ी मोड़ के और अस्पताल में जाके छुपा दे, कमर दर्द का झूठा बहाना करके मुल्क से चला गया, उसको निकाला गया, उसको भगाया गया, उसको सेफ एग्जिट किया गया. दद्दी भी सियासत से महफूज न रही. हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स की तकरीब पर भाइयों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए. मुरीद कुरैशी की शाह महमूद कुरैशी पर इल्जाम की बौछार. गुस्से में बिफरे मुरीद कुरैशी. ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियाँ क्या कह रही हैं. जी जनाब, अखबारात में आज क्या कुछ है सवाले से तो आपको ज़रूर बताएंगे लेकिन सबसे पहले आपको ये ज़रूर बता दें कि आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है कश्मीरियों की जानिब से. कश्मीरियों के का आज यौम सियाह के हवाले से मुख्तलिफ जगह पर हड़तालें की जा रही हैं, मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज किया जा रहा है, उस कॉल को रोकने की कोशिश की जा रही है. और वो क्यों? क्योंकि आज के दिन 70 बरस मुकम्मल हो गए हैं भारतीय जारहत को कश्मीरियों के ऊपर और आज भी निहत्ते कश्मीरी इन जालिमों के जुल्म से महफूज नहीं है. उसी तरह
कहा वहां पर जुल्म की दास्तानें रकम की जा रही हैं और पाकिस्तान जो है वो भरपूर कोशिश करता रहा है, चाहे वो अक्वामे मुत्तहिदा हो, जनरल असेंबली हो, मुख्तलिफ काउंसिल्स में पाकिस्तान का यही मौकफ रहा है कि कश्मीरियों को उनका हक खुद अरादियत दिया जाए। इस हवाले से हमारे जो वजीर आजम हैं उन्होंने भी इस बात का आदा किया है कि हम कश्मीरियों को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे। तो ये खबर सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासिबत के हवाले से है, लेकिन अखबारों की जानिब अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले यहाँ पर नवाज शरीफ के हवाले से खबर मेंशन है। नवाज शरीफ के दो रेफरेंस में काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। कल हमने देखा कि एक अहम और बड़ी पेशी थी जिसमें मरीम नवाज भी पेश हुई, कैप्टन सफदर भी पेश हुए, लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो एक बार फिर से हमने देखा कि इस पेशी में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया और साथ साथ उनके काबिले जमानत वारंट भी गिरफ्तारी कर दिए गए, जिसके बाद मरीम नवाज जब बाहर आई कमरा अदालत से उसके बाद उन्होंने बड़े ही दबंग अंदाज में बहुत ही सख्त बयान जो हैं वो दिए और कहा कि ये एहतसाब नहीं हो रहा, ये इंतकाम हो रहा है। और साथ साथ उनके भी कहना था कि जो लोग आवाज़ें उठाते हैं उनको गद्दार कह दिया जाता है, कुछ लोग कमर दर्द का बहाना कर मुल्क से बाहर बैठे हैं, उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरह के सारे जो बयानात हैं उनका इसमें ये भी कहना था कि ये जो सारा कानून है वो नवाज शरीफ के गिरती घूम रहा है, इमरान खान के खिलाफ इस तरह से कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती जिस तरह से नवाज शरीफ के खिलाफ की जाती है। तो ये तमाम स्टोरीज आज एक्सप्रेस रोजनामा में मेन लगाई। ठीक है, अच्छा ओवरऑल अगर सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो नैब रेफरेंस की बात हो या एहतसाब अदालत की बात हो, इलेक्शन कमीशन की बात हो, तो ये तमाम खबरें ही जो हैं ये आज जंग अखबार का हिस्सा हैं। और इसमें जो मेन एक मुझे पिक्चर नज़र आई है वो इमरान खान साहब की पिक्चर है और वो जहांगीर तरीन के साथ में खड़े हुए हैं और ये उस टाइम की पिक्चर है जब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उस गुफ्तगू में वो बहुत ज़्यादा मुतमइन नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट थे क्योंकि वो उनका एक तो तहरीरी हुक्मनामा भी जमा करा दिया गया। अच्छा, जब इन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जमा करवाया, तहरीरी अपना बयान जमा करवाया तो उसमें मुआफ़ीनामा था वो उनका, तो वो एक्सेप्ट हो गया। तो बहुत सारे जो तज़ियाकार थे उसके बाद इस स्टांस के बाद जो है वो ये कह रहे थे कि जी खान साहब का क्या भरोसा, अभी इन्होंने मुआफ़ीनामा जमा कराया है और अभी थोड़ी देर बाद ये फिर से इलेक्शन कमीशन को कुछ कह देंगे तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो लेट्स सी कि अब उनका क्या अगला स्टांस होगा, लेकिन वो अपनी गुफ्तगू में ये कह चुके हैं कि उनका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि वो किसी भी किस्म से या किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई ऐसी बात करें जिसकी वजह से उसका परसेप्शन ख़राब हो। तो ये तो एक खबर रही और दूसरी जो खबर थी वो थी NH4 के हवाले से। हमने देखा कि PTI का होम ग्राउंड था और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि PTI जो है ये जो पूरा इंतखाब है ज़िमनी इंतखाब है ये जीत जाएगी, लेकिन कल के बाय इलेक्शंस में जो एक बहुत ख़ास बात रही वो यही रही कि हम जिस नुमाइंदे को भी लाइन पे ले रहे थे, जिससे भी बात कर रहे थे आश ने उसकी, वो यही कह रहा था कि ये बाय इलेक्शन नहीं लग रहा है, लोगों में इतना ज़्यादा जोश खरोश है, वोटर्स टर्नआउट इतना ज़बरदस्त है कि ये इलेक्शन जो है बिल्कुल जनरल इलेक्शन लग रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। अच्छा, ख़वातीन वोटर्स भी वहाँ पर कुछ कुछ शिकायतें करती नजर आईं, लेकिन जब PTI जीत गई तो उनकी शिकायत दूर हो गई होगी। और एक और अहम खबर जो यहाँ पर है, जो मेंशन है, जो कि मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, वो है नवाज शरीफ सऊदीया में अगले हफ्ते वतन वापस आकर एहतसाब अदालत में पेश होंगे। तो कल तो वो पेश नहीं हो सके, लेकिन अब देखना ही है कि अगले हफ्ते वो किस हद तक सदाकत है कि वो वाकई आते हैं और पेश होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये खबर है। दूसरी खबर जो है कस्टम हुकाम के हवाले से है कि मोटरवे के जरिए स्मगलिंग पर काबू पाने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना। बिल्कुल जनाब, अच्छा आगे बढ़ते हैं और दो तीन छोटी छोटी खबरें यहाँ पर ज़रूर शामिल करेंगे, जिसमें एक चीज़ नवाज शरीफ के नाम को ECL में डालने के हवाले से जो भी तमाम तरह दरख्वास्तें थी उनको भी खारिज कर दिया गया है। अब उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ जल्द जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। दूसरी खबर टिलर्सन के हवाले से, अमरीकी रेडियो का ऐसा कहना है कि टिलर्सन का जिस तरह से इस्तकबाल किया जाता है पाकिस्तान में उस तरह बिल्कुल भी नहीं किया गया, ना तो कोई रेड कार्पेट था ना ही कोई फ्लावर्स थे। तो जनाब ये शिकवा अमरीकी मीडिया की जानिब से किया गया है। और जनाब के अलावा एक और खबर जो है यहाँ पर आपको वो भी बताते चलें कि हैलोवीन की तैयारियां इस वक्त बड़े जोर शोर से जारी हैं, चाहे लंदन हो चाहे न्यूयॉर्क हो, हर जगह पर इस वक्त हैलोवीन की तैयारी की जा रही है और स्पेशली इस हवाले से जू के अंदर जो है जानवरों के लिए हैलोवीन ट्रीट का भी इंतजाम किया गया है। तो बड़ी मुख्तलिफ खबरें जो है वो आज के दिन गर्दिश कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की। और इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम रज़ाक लाइन पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज शहर भर में क्या एक्टिविटीज होने जा रही है। जी वसीम, अपडेट कीजिए।
जी अगर बात करें वफाकी दारुलहुकूमत इस्लाम आबाद की तो सबसे पहले बात करेंगे तहलीक रबैक या रसूलल्लाह रैली की जो कि इस वक्त डी चौक के करीब है। रावलपिंडी जब ये रैली पहुंची तो तमाम जो मुंतजमीन थे उनके साथ इनके मुजाकरात हुए जो कि नाकाम हुए और रैली इस वक्त डी चौक के करीब है और उनकी जनब से दावा किया गया है कि वो रेड जोन में पहुँचेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज 27 अक्टूबर का दिन है, 27 अक्टूबर योम सियाह के तौर पर मनाया जाता है और आज इस्लाम आबाद में इस हवाले से तकरीबात होंगी। जो पहली तकरीब है वो G10 गर्ल्स कॉलेज में होगी जहां पर मिशाल हुसैन मलिक जो हैं वो मेहमान खसूसी होंगी। इसके अलावा जो इंडियन एम्बेसी है, हाई कमीशन है, उसके सामने मुजाहरा किया जाएगा। इस राजा फारूक कॉन्फ्रेंस करेंगे। पिंडी आर्ट्स काउंसिल में इसी हवाले से एक तकरीब होगी जिसमें राजा जफरुल हक, वजीर आजम आजाद कश्मीर और तर्जमान दफ्तर खारजा उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा F9 पार्क में इसी हवाले से एक रैली होगी, मोटरसाइकिल रैली होगी जो कि जो ब्लैक डे के हवाले से वो F9 पार्क में होगी। इसके अलावा तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो है 11:30 बजे होगी। अगर बात करें वफाकी दारुलहुकूमत आज इसके अलावा नईमुल हक इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से एक गुफ्तगू भी करेंगे। अगर बात करें वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम की, इस वक्त धूप निकली हुई है, मौसम में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है और सर्दियों का आगाज बिल्कुल करीब है। रात के वक्त जो मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है और लेकिन दिन के वक्त बहुत शुक्रिया। नए मुल्क इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू भी करेंगे। साथ साथ मौसम के बारे में बात की जाए तो थोड़ी थोड़ी धूप है लेकिन मौसम बदल रहा है, सर्दी की तरफ जा रहा है। लाहौर का रुख करेंगे जहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट और उनसे जानते हैं कि आज शहर में क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही है। हुमा भट्ट, मौसम तो बदल रहा है तो क्या लाहौर शहर में सियासी और समाजी सरगर्मियों के इवेंट्स भी चेंज हो रहे हैं, कुछ तब्दीली आ रही है उनमें भी? अभी तो सियासी और समाजी जो सरगर्मी है उनमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी तो पंजाब असेंबली का सेशन जो है वो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, आज जिस तरह पहले से चल रहा था बिल्कुल वैसे ही है। वैसे ही हम लोग देखेंगे जिस तरह कल एक जो रुकन है उसकी रुकनियत को भी मौतल किया गया और उसको भी सजा दी गई, उसी तरह आज भी हम लोग देखेंगे राणा सनाउल्ला जो हमेशा की तरह आते हैं और फिर इमरान खान और बाकी जितने भी अपने मुखालफीन हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, तो आज भी उनका ये सिलसिला तो जारी रहेगा। आज क्योंकि जुम्मा है, जुम्मतुल मुबारक है, सेशन जल्दी खत्म हो जाएगा लेकिन यकीनन ये लोग आएंगे और फिर वही जुमलेबाजी का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता दूं क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो T20 मैच होने जा रहा है और आज पाकिस्तान जीत भी चुका हुआ है, तो उसके लिए आज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लाहौर पूरा सजा हुआ है, पाकिस्तानी और श्रीलंकन प्लेयर्स की जो तस्वीर है उनसे सजा हुआ है और ये जो तस्वीर है मॉल रोड सारा भरा हुआ है, पंजाब असेंबली के आगे सारी की सारी तस्वीरें हैं और यकीनन इसके लिए टिकट्स की जो खरीदारी है उसका सिलसिला भी जारी होगा। फिर आप इस मार्के के लिए तैयार रहेगा, इस मार्के की रिपोर्टिंग के लिए भी तैयार रहेगा। हमारे यहाँ से भी हम कराची स्टूडियो से भी एंकर भिजवा रहे हैं एक। जरूर हम लोग तैयार हैं और आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे तो खूब मजा करेंगे जिस तरह बाकी श्रीलंकन प्लेयर्स यहाँ पर आकर खेलेंगे भी और मजा भी करेंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट, आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से। और लाहौर में श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ ही मैच होने जा रहा है और इस हवाले से सिक्योरिटी टीम्स जो है श्रीलंकन वो भी पाकिस्तान आ चुकी है और वहाँ का ओवरऑल जायजा ले रही है, तो सिक्योरिटी के काफी जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हाफिजाबाद में भी पुलिस की जानब से जराय पेशा अफराद के खिलाफ अमन अमान के क्याम के लिए सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। जी अंजुम सुहेल, रवा माह के दौरान पुलिस की जानिब से कितने सर्च ऑपरेशंस किए गए हैं और उनमें पुलिस को कितनी कामयाबी हासिल हुई है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद में पुलिस की जानब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और अगर बात की जाए रवा माह अक्टूबर की तो इस माह के दौरान पुलिस की जानब से जिला भर में 30 सर्च ऑपरेशन किए गए, 300 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। संगीन वारदातों में जो मुलवस इश्तहारी थे 107 उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके साथ साथ 500 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानब से इन तमाम मुलजमान से भारी मकदार में जो माल मसूका है, नकदी है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें वो भी बरामद किया गया है। ये तमाम तक जो मुलजमान है कत्ल, डकैती, राहजनी समेत संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। अगर बात की जाए हाफिजाबाद पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से तो महकमा पुलिस पंजाब की जो रैंकिंग हुई है गुज़िश्ता हफ्ते उसमें हाफिजाबाद पुलिस जो है वो क्राइम कंट्रोल के हवाले से और अच्छी कारकर्दगी की वजह से पंजाब भर में उसकी पहली पोजिशन भी आई है, जिस वजह से IG पंजाब और RPO गुजरांवाले की जानब से DPO हाफिजाबाद डॉक्टर सरदार अहमद गयासगुल और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम को आज़ादी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। पुलिस की जानब से जो ये जो सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं उनसे यकीन जराइम की
वगैरह में भी कमी आई है। हैदराबाद की सूरतहाल से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे हम अवामी नेशनल पार्टी की, जी हाँ, जो 18 साल बाद पशीन में सियासी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है। एएनपी के जलसे के लिए पंडाल की तैयारियां भी जारी हैं और 18 साल बाद ये जलसा हो रहा है तो डेफिनेटली तैयारियां बहुत जबरदस्त की गई होंगी और बहुत सारे प्लान्स और बहुत सारी अवाम के लिए सहूलियात के पैकेजेस भी होंगे। तो इसी हवाले से सूरत हाल जानते हैं हम हमारे नुमाइंदे से, मुहिब से। जी मुहिब, पंडाल में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताजलाला फुटबॉल स्टेडियम में, जहाँ पर हब से कुछ देर बाद अवामी नेशनल पार्टी सियासी कुवत का मुजाहरा करेगी। जलसे से एएनपी के मरकजी सदर असमंदियार वाली समेत मरकजी सूबाई क़यादीन खिताब करेंगे। अगर बात की जाए तो अवामी नेशनल पार्टी ये जलसा 18 साल बाद जो है सुबह बलूचिस्तान की ज़िला पशीन में होने जा रहा है। जलसे का मकसद पश्तून मिली वादत पाटा इंजमाम और मुल्क में जो है सियासी हलचल और मखदूस सूरतयाल पशीन में 3G इंटरनेट की बंदिश के अलावा दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। जबकि ज़राए के मुताबिक पार्टी के मरकजी सदर असमंदियार वली खान अपनी खिताब में जो है वो चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचगजे और सरबरा पी टी आई इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाएंगे। अगर बात की जाए ग्राउंड की तो ग्राउंड में जो है इस वक्त पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक जो है 7,000 कुर्सियाँ जो है वो लगा दी गई है। जबकि हम अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एक अहम जलसा होने जा रहा है एनपीएन की जानिब से और देखना यह है कि आज उनका क्या स्टांस होगा। गुड मॉर्निंग आज में, यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अखबारात के एडिटोरियल में आज कौन कौन से मौजूद जेर बहस हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। नफीस साहब, क्या है आज इदारियों में? जी इदारियों में हम सबसे पहले तो एक आर्टिकल डिस्कस, क्योंकि आपको पता है कि आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है दुनिया भर में कश्मीर के हवाले से, जो मजालिम हो रहे हैं भारत के, और जो 1947 में 27 अक्टूबर के दिन जो डकोटा जहाज़ों के ज़रिए भारतीय फ़ौजियों ने जन्नत नज़ीर कश्मीर में कदम रखा, जो अब सुलगता चिनार बन चुका है, वही कश्मीर जो कभी जन्नत कहलाता था आज वहाँ बारूद और गोला बारूद की बू फैली हुई है। ये 70 साल की दहाई में हम आज मना रहे हैं ये दिन, लेकिन कहा जाता है कि कश्मीर तो उनका तो रोज़ का दिन, जो हर रोज़ जो है वो ब्लैक डे होता है, हर दिन योम सियाह है उनका। हरी सिंह साहब जो महाराजा थे, कहा जाता है कि उन्होंने, भारत का ये क्लेम है कि उन्होंने दरख्वास्त दी थी तो भारतीय फ़ौजियों ने वहाँ कदम रखा ऐसा, और लेकिन अगर आप अब्दुल्ला जो मोहम्मद शेख अब्दुल्ला हैं राइटर जो जिनकी आतिश कश्मीर जो है वो आतिश चिनार उनकी ये तसनीफ़ है, चाहे जितने भी आप मुनसिफ मिजाज राइटर्स को उठा लें, वो यही कहते हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, भारत ने दबाव के ज़रिए कश्मीर पर कब्ज़ा किया, और शुरू में भारत खुद अकवामी मुत्तहदा ये केस लेके गया क्योंकि उस वक्त दबाव में था, लेकिन उसके बाद जब वो दबाव से निकला तो वो अपने ही अक़वामे मुत्तहदा की करारदादों से मुनहरिफ हो गया, और आज तक वो मुतालबा होता है कि कश्मीरियों को उनका हक रायदही इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए, और दुनिया भी उस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। मसला ज़्यादा बड़ा ये कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत संभालने के बाद कश्मीरियों पर मजालिम की इंतहा हो गई। हमने देखा 3,000 जो कश्मीरी हैं वो नाबीना हो गए पैलेट गन के इस्तेमाल से। अभी मलिहा लोधी का भी मैं बयान दे रहा था, देख रहा था आज उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा इस दिन के मौके की मुनासबत से कि इज्तमाही तौर पर कहीं भी दुनिया में किसी को अंधा इस तरह नहीं किया गया जिस तरह भारत ने किया है। नरेंद्र मोदी साहब की जितनी भी हरकतें थीं, उन्होंने महबूबा मुफ्ती की साहिबा से ये भी बयान दिलवा दिया कठपुतली वज़ीर आज़म से कि अब 200-300 अफराद हैं जो कि कश्मीरियों के हक़ की बात करते हैं या भारतीय फ़ौज के सामने खड़े हैं, लेकिन उनको 3.5 साल के अंदर ये बावर हो गया कि वो गलत थे। अच्छा बिल्कुल, अभी कंटिन्यू करते हैं इसको, लेकिन अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमेशा तैयार है और तैयार रहेगा। शायद ये बताइए पीपल्स पार्टी जब भी होती है बानी जुल्फकार अली भुट्टो के कश्मीर इशू टॉप प्रायोरिटी होता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत कश्मीर इशू पर कश्मीर पॉलिसी इस तरह वादे नहीं कर सकी, क्या वजह है? जब ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 47 के बाद, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 48 के बाद का इंतकाल हो गया था, तो पहले लीडर थे जिन्होंने कश्मीर का इशू बैनुल अक्वामी लेवल पे उठाया, और ये इवन जब शिमला माहदे के लिए गए तो उन्होंने कश्मीर के इशू को साइड पे रख के और कहा कि जी ये रिजॉल्व नहीं हुआ है और हम अपना हाथ रखते हैं इसके खिलाफ बात करने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों या सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने हमेशा
कश्मीर के इशू को सर फहरिस्त रखा है हर बायलैटरल टॉक्स में, हर इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उस किस्म की कमिटमेंट हमें और हुकूमतों में नज़र नहीं आई है, और ख़ास तौर पर मौजूदा जो हुकूमत है उसके इशूज़ में दोहराना नहीं चाहता, इसलिए कि आज कोशिश यही है कि हम सब मुत्तहिद होके एक लफ्ज एक ज़बान होके पाकिस्तान के मुस्तहकम करने की बात करें। लेकिन ये थोड़े से शक शुबात ज़रूर आते हैं जो रिसेंट मामलात हुए थे कि कहीं कश्मीर का इशू पीछे तो नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन जब तक पाकिस्तान कौम का आज़म पाकिस्तान को ताकतवर करने का मजबूत करने का है, कश्मीर हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और सवाल हो तो ठीक है। सर ये बताइएगा, आज खान साहब यहाँ पर आए हैं केवल में जो उन्होंने जलसा किया, यहाँ पे एक हफ्ता पूरा गुजार के गए, क्या समझ रहे हैं कोई कप्तान दे सकेंगे या जो दावे किए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आए तो किसी गैर मुल्क में नहीं आए, अपने ही मुल्क में आए, इज मोस्ट वेलकम। मैं सब जवाब देता हूँ, वो आए सेवन में, उन्होंने मेहरबानी की, जलसा किया, और वो पता नहीं आप लोगों ने कवर किया या नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसलिए मेरा तालका है, अगर मुझे 10 लोगों के लोकल नाम बता दें सेवन तहसील के, 10, मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि ये 10 थे उधर, सिवाय एक कौम के कुछ उनके मज़ारों के अलावा कोई और थे तो बता दें, बाकी सारे लोग बाहर से लेके आए थे, वो मोस्ट वेलकम। मज़ार पे जो उन्होंने हरकत की मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन उस दिन उनका कोई प्रोग्राम पहले नहीं था, इसलिए कि इंतज़ामिया को प्रोग्राम दिया जाता है, हम सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी यानी हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी थी, वो आए हुए थे, और किसी का कोई भी जलसा होता है हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं दिया, जलसे के दौरान कहा कि हम जाएंगे, फिर कहा 4 गाड़ियाँ हम लेके जाएंगे, उन गाड़ियों के नंबर दिए, उनको कहा गया स्पेसिफिकली, इसलिए कि कुछ दिनों पहले एक और साहब उधर गए थे हथियारों के साथ, स्पेसिफिकली कहा गया कि जी सिक्योर हथियार अलाउड नहीं है, उसके बावजूद हथियारों के साथ गए, फिर ये ड्रामा किया गया कि जी दरवाजे बंद कर दिए, अगर दरवाजे बंद किए तो शाह महमूद कुरैशी जो छलांग मार के गया के दरवाजे के अंदर, उसके साथ फिर कल जो हुआ वो सबने देख लिया, ये उसने जो झूठ बोला था दरगाह कलंदर के अंदर, उसका नतीजा था कि उसका अपना भाई उसने जब शाह महमूद कुरैशी के साथ किया है, शाह महमूद को जबान संभाल के बात करनी चाहिए, शाह महमूद की मैं इज्जत करता था, लेकिन शाह महमूद जो खुद बता दिया है उसके भाई ने कि तुम अपनी दरगाह को बेच रहे हो, मैं नहीं कह रहा, ये उसका अपना भाई कह रहा है, तो उसने दरगाह के अंदर आके जो ऑल फॉल बकी उसका सिला उसे 3 दिन बाद मिल गया। दरगाह कलंदर का मैं मोतकिद हूं, दरगाह के अंदर जाके ये मैं कहूं इमरान खान कहते हैं ना कि जी ये बुलावा होता है दरगाह के अंदर जाने का, दरगाह के दरवाजे से लौट गया वो शख्स, उसको बुलावा नहीं था, फिर एक जो है बड़ी वो पीटीआई वाले बड़े बड़े एक्टिव हो जाते हैं मीडिया पे, कहते हैं कि जो दहशत गर्दों को बुलावा आया था, अब दहशत गर्दों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, शायद यही मसला आपका है, और ये दहशत गर्द का जो मर्ज है जिसको ये लोग सपोर्ट करते हैं उधर खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के, क्या जब मक्का मुकर्रमा में दहशत गर्दों ने हमला किया था तो हम यही कहते हैं ना, हमें बुलावा आता है तो हम जाते हैं, हाजिरी देते हैं मक्का में उम्रे के लिए या हज की सआदत नसीब करें, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आता है, दरगाह कलंदर भी बुलावा आता है, ये उसकी बदकिस्मती है कि दरवाजे से लौट गया, उसने अंदर जाना इसलिए कि उसको अपने हथियार वाले चाहिए थे साथ, तो और बाकी जो करप्शन की बातें तो सदियों से कर रहे, भाई आके वोट ले लो, तो मैं पूरी इजाजत है जितने जलसे करने मैं तो वेलकम करता हूँ ना, मैंने कहा हमको आपको प्रोटेक्शन भी नहीं है, उधर पहले उन्होंने इशू बनाने की कोशिश की सेवन में, हम खुद जलसे हम भी तो जलसे जो है शहर के अंदर कर सकते हैं, हैदराबाद में हमने शहर के बाहर किया, दादू में शहर के बाहर किया, इसीलिए कि लोगों को तकलीफ कम से कम हो और एक प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा सके शहर के अंदर गलियों में, हमें डर थोड़ा सा जो माहौल है दहशतगर्दी का उसकी वजह से, तो ये ड्रामे श्रामे नहीं चलेंगे, आप वो भूल जाएं, चाहे इकट्ठे कर लें ये 10 जमातें 11 जमातें 15 जमातें, एक क्रिकेट टीम बना लें 2 बना लें, जो कुछ कर लें, सिंध के अवाम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, इंशाल्लाह ताला इस 2018 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान के अवाम
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज के दिन की मुनासिबत के हवाले से, कश्मीर डे के हवाले से, जो यौम सयाह मनाया जा रहा है उस हवाले से भी वो बात कर रहे थे, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के मौकिफ को भी वाजे कर रहे थे। और आपको ये भी बताएं कि वो पीटीआई को एक बार फिर से बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे थे, और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी जो कुछ बातें कर रहे थे। अभी थोड़ी देर बाद उनके भाई हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे, उनसे इस हवाले से मजीद भी बातचीत की जाएगी। ठीक है जी। अच्छा नफीस भाई, कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भुट्टो साहब जो हैं पहले लीडर थे जिन्होंने इंटरनेशनली कश्मीर का मसला उठाया, अपार्ट फ्रॉम ऑल लीगल थिंग्स और तमाम चीज़ें अगर हम छोड़ भी दें और सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात करें और इंडिया की जारियत के हवाले से बात करें, तो अभी देखें वो जो ताजमहल के हवाले से उनके बयान हैं और जो उनके ख्याल हैं, मेरे ख्याल में वो वाजे कर देता है कि कितना बुग्ज और कितनी उनको प्रॉब्लम है मुस्लिम से, तो कश्मीरियों के साथ वो क्या हाल करते होंगे। आपको लगता है क्या ये जो मसला कश्मीर का वर्ल्ड है, ये मसला कश्मीर कभी हल होगा? देखें सबा, ये बात सही है कि ये बड़ा मसला, ये बहुत तबतूल पकड़ चुका है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एक चीज़ जो है, जो एक एक खुशाइंद है बात ये, वो कि ख़ुद भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। सागरिका घोष जो हैं, एक राइटर हैं भारत के, उन्होंने एक कॉलम में ये लिखा कि भारत अमली तौर पर जो है कश्मीर जो है मकबूज़ा कश्मीर अमली तौर पर भारतीय फ़ौज की कैंटोनमेंट बन चुका है, और अमली तौर पर जो है ये नरेंद्र मोदी के इक्तदार में हिंदू राज है भारत में, ये सेकुलरिज्म का परिंदा है ये कूच कर गया है। और यही नहीं बल्कि एएस दौलत जो हैं, उनके जो उसके रॉ के जो साबिक चीफ हैं, उनका बयान है कि कश्मीरी हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। तो ये बयानात और खास ये कि पाकिस्तान कायदे आजम के दो कौमी नजरिए को भी कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक था, ये भारतीय राइटर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो हिंदू राइटर्स कह रहे हैं, मुस्लिम भी नहीं है। तो इससे बात हो रही है कि आप चाहे कितना भी जुल्म को दबाने की कोशिश करेंगे, अब आपके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, तो ये मौकफ जो है ये अब सब पूरी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए। मुज़ाकरात के नाम पर टोपी ड्रामा भी किया जा रहा है भारत की जानिब से, ताकि अपनी तरफ से अपना उल्लू सीधा कर लिया जाए। एनी वे, ये तो तमाम तो सूरत हाल रही है, और आज के दिन इस हवाले से एहतजाज भी किया जा रहा है, पाकिस्तान की जानिब से भी हमेशा पर आवाज उठाई गई है। लेकिन हम देखते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से 2 या 70 सालों से मजालिम चल रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान और स्पेशली कश्मीरियों के साथ कोई एक दुश्मनी मजीद जो है वो मजीद बढ़ चुकी है, ज्यादा जुल्म की जो दास्तान है वहां पर अब दिखाई देती है, सुनाई देती है। अच्छा, ये तो तमाम तरह इस हवाले से बातचीत थी। अगला इदारिया जो आप आज कंक्लूड करने से पहले ये बता दूं कि ये अब देखें ना, आप टिलरसन वहां गए, कभी एक लफ्ज भी कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा, बिल्कुल सबको अफगानिस्तान पे नजरें लगी कि अफगानिस्तान में जुल्म हो रहा है या अफगानिस्तान में, वही सवाल है जो मैंने कल पूछा था परसों कि क्या टेलरसन जाके भारत में कश्मीर की बात करेंगे, और वही उन्होंने वहां जाके रागल आप। हाँ। तो वो आपकी बात सही है कि जब ये जानबूझकर अगर नजरें चुराएंगे तो फिर मसाइल दुनिया के स्तर तो हल नहीं होंगे, और इस तरह अमन की तरफ नहीं जाएंगे, हम तबाही और इंतशार की तरफ जाएंगे। एक इदारिया है डॉन का, प्रेशर ऑन पाकिस्तान, और ये ना सिर्फ डॉन का है बल्कि अगर मैं कहूँ कि एक्सप्रेस, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सब अच्छा नहीं, जंग ने दिया है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये सारी वो बातें हो रही हैं जो टिलरसन ने अपने जो के उनकी जो गिर्द जो उनके जाने के बाद उभरी, और उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में भी हवाले से बात हुई। डॉन ने तारीफ इस हवाले से की है कि पाकिस्तान को बिलाखर एक वजीर खारजा मिल गया, और जो बुध के रोज सेनेट में उन्हें एक धुआंदार बयान दिया, वो कहा कि ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कोई लगी लिपटी नहीं रखी, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि भारत को, इंडिया को, सॉरी अमेरिका को हमने क्लियर पैगाम दे दिया है कि अब आपकी डू मोर पॉलिसी इस तरह नहीं चलेगी। और हम दो बातें बहुत अहम की, वैसे तो उन्होंने बड़ा ही काफी बात की है कि हमने 75 की लिस्ट दी, अमेरिका ने हमको 75 अफराद की लिस्ट दी, हमने उनको 100 अफराद की लिस्ट दी, हक्कानी नेटवर्क का नाम ऊपर है, लेकिन उन्होंने किसी दहशतगर्द को निशानदेही नहीं की जो कि पाकिस्तान में है, बल्कि ज्यादातर दहशतगर्द जो है वो शेडो गवर्नर बने हैं अफगानिस्तान के। बहरहाल बहुत तवील बात है, लेकिन दो बातें जो उन्होंने बहुत अहम की, वो एक ये था कि हम भुगतेंगे नहीं, हमें और क्या भुगताओगे, ये वो चीजें सभा जो हमने डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि हमने अफगानिस्तान में उन्होंने ये बयान दिया। सब टाइम जरा थोड़ा कम है, आखिरी सवाल एक छोटा सा जाते जाते करूंगी। पहला दौर खत्म हो चुका, हमने कह दिया हम सरेंडर नहीं करेंगे, दूसरे दौर में अब क्या होता देख रहे हैं आप? दूसरे दौर में अब देखें, यही दोनों अदारे यही कह रहे हैं कि अपनी मौके पर कायम है, पाकिस्तान को एक प्रोएक्टिव पॉलिसी चाहिए और अपने मौके के लिए चाहिए, पाकिस्तान अमरीके की उस नोशन को बिल्कुल खत्म कर दें कि अब आपको जो ना कंडीशन बेस्ड अप्रोच है, क्योंकि दोस्त वो नहीं होता जो आपकी कंडीशन बेस्ड है, दोस्त वो है फ्रेंड। इस पे मैं यही कह सकती हूं कि ट्रंप का शुक्रिया कि वो आए और उन्होंने इस तरह के बयान दिए और पाकिस्तानियों की एटलीस्ट आंखें खुल गई। तो नफीस साहब हमारे साथ मौजूद थे और दोनों एडिटोरियल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चले जनाब यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज तकरार के हवाले से, गद्दी भी सियासत से महफूज ना रही,
हजरत बहाउद्दीन जकरिया के उर्स की तकरीब पर भाइयों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मुल्तान में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और उनके भाई मुरीद हुसैन कुरैशी के दरमियान काफी तकरार हुई। मुरीद हुसैन ने अपने भाई पर इल्जामात की बारिश कर दी। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को कातिल और गुंडा भी करार दिया और साथ ही साथ इदारों को पेशकश भी की कि वो शाह महमूद कुरैशी करप्शन की तहकीकात के लिए उनको जरूर बुलाएं। मेरा हक खाकर आप बैठे हैं और जब भी मैंने आपसे हक मांगा मुझे तोहफे में एक लाश मिली, साथ कत्ल करवा कर बैठे हैं आप। मुझे कल रात भी फोन पर मुझे कत्ल करने की धमकियां दी गई कि उसमें तुमने नहीं आना। मेरा इस दरबार से रूहानी नाता है, आपका सियासी नाता। आपने कसम उठाई हुई है, सियासत के पीछे खानदान का नाम भी दबोना है, ईमान को भी दबोना है। आपको दुनिया कब्रों को सौदागर बुलाती है, आपको मालूम है? कब्रों का सौदागर, चोर ये है, डकैत ये है, कातिल इन्होंने रखे हुए हैं। शाह महमूद साहब दिनों के सौदे हैं और ये सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तारे मुझसे रब्ता करे, मैं बताऊंगा करप्शन क्या होती है और कैसे होती है और किस तरीके से की जा रही है करप्शन यहाँ पे। बहुत ही गजब में आए हुए थे जनाब मुरीद कुरैशी साहब और अपने भाई पर इल्जाम तो लगाए ही थे, साथ ही साथ इसी तकरीब में उन्होंने एक मुरीद की पिटाई भी कर दी। मुरीद बेचारा माफी मांगता रहा लेकिन मुरीद हुसैन कुरैशी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। तो गुस्से में भिपरे मुरीद कुरैशी ने अकीदत मंद पर चढ़ाई भी कर दी है और इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी के भाई मुरीद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सारा जो वाकया हुआ है इसमें सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस शख्स को आपने मारा है क्या वो आपका मुरीद था? क्योंकि अगर हम बात करें मज़ारात की और पीरी मुरीदी के हवाले से तब भी एहतरामत तो मुर्शिद के आगे नहीं चलना चाहिए। जब वो शख्स आपका मुरीद ही नहीं था, आप गद्दी नशीन नहीं, तो आपका एहतराम किस बात का? बेटों की तरह ही है, जमात का एक है और कोई ये कोई इतना बड़ा इशू इसमें नहीं था जितना कि इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है। एक वालिद अगर अपने बेटा अपने बेटे को समझाने के लिए अगर थप्पड़ मार भी देता है तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। मैं मेरे बेटे की जगह और मैं उसके वालिद की जगह हूँ, तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें ऐसा कोई इशू है जी। सही बताइए कि गद्दी नशीनी के हवाले से बड़े बात आपने की, बहुत से इल्जाम भी लगाए हैं, आप गद्दी नशीन क्यों नहीं बन सके, क्या वजह है? शाह महमूद कुरैशी को ही क्यों गद्दी नशीन बनाया गया, कोई तो वजह होगी, ऐसी कौन सी खास बात है जो उनमें शाह महमूद कुरैशी में जो आप में नहीं है जिस वजह से आपको नहीं बनाया गया? मेरे वालिद ये चीज मुझे देके गए थे जी अमानत में। शाह महमूद साहब सियासत में थे, मैं उस जमाने सियासत नहीं करता था। मैंने ये सोचा कि ये जिस मनसब पे बैठे हैं ये बेहतर खिदमत कर सकेंगे जमायत की, लेकिन मेरे अंदाजे में ये बात न थी कि ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ये जमायत को ही सियासत की तरफ लेके जाना शुरू कर देंगे। सही। सो आप इसको मेरी गलती कह लें और बहुत बाद में जब मैंने रियलाइज किया कि जमायत के साथ जो सलूक किया जा रहा है और उनके ईमान को बेचा जा रहा है उनको दिखाकर, तो जमायत आती है अपने मुर्शिद का दीदार करने, लेकिन उनको इकट्ठा करके अगर इमरान खान साहब से कहा जाए कि ये मेरे वोटर बैठे हैं तो ये गलत बयानी भी है और ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद साहब को ये काम करने चाहिए जमायत के हवाले से। अब पिछली दफ़ा ये इलेक्शन लड़े थे सिंध से जाकर, जमायत ने इनको सपोर्ट भी किया, लेकिन उसके बाद ये उनके बली वालिस नहीं बने। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जिनके आज भी मुझे टेलीफोन आते हैं जो बड़ी तकलीफ में हैं, जिन पे बड़े बड़े मुकदमात बन गए जी, बड़े बड़े केसेस बन गए हैं और बड़ी तकलीफ में हैं, लेकिन शाह महमूद साहब उनके पास नहीं पहुंच सके। तो अगर ये सियासी तौर पे उनके पास नहीं पहुंच सकते तो गौस के नाम से उनसे अच्छा, अपने बात की अपने वालिद साहब के हवाले से कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ही शाह महमूद कुरैशी साहब को सज्जादा नशीन बनाया था, तो कुछ तो देखा होगा, कोई तो रूहानी अंसर होगा, कोई तो रूहानी पहलू होगा। इससे पहले वो पीपल्स पार्टी में थे तो तब उनकी रूहानियत और खासियत बरकरार थी, लेकिन अब वो जब पीटीआई में है तो आपको क्या लगता है कि उनके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है? सियासत एक बिल्कुल अलग
टॉपिक है और दरबार के सिलसिले जो हैं जितने भी हैं पाकिस्तान में, ये एक रूहानी और एक मजहबी दीनी सिलसिले हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको आपस में आप मिलाकर इनके अंदर से एक चीज निकाली जा सकती है। नहीं, दीन जो बता गया है जी वो हक है, वो तब्दील नहीं हो सकता। सियासत तो रोज तब्दील होती है। मैंने खुद शाह महमूद के मुंह से यहाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे सुने। ये शिकवा तो बाकी जमातों की जानिब से भी किया जाता है। अच्छा ये बताएगा, आपने कहा कि आपके भाई शाह महमूद कुरैशी दरगाह पर सियासत कर रहे हैं, किस किस्म की सियासत कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, यानी जब पीटीआई में आए हैं उसके बाद से आपको लगता है कि ये सियासत करने का आगाज शुरू हुआ है? जब से ये पीटीआई में गए हैं जी, इनका ये इस चीज को अपना एक सहारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ये पीपल्स पार्टी में थे, हमारी जमायत सिंध में तकरीबन सारी जमायत पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है। हमारे जितने भी इलेक्टेबल्स इस वक्त मौजूद हैं सिंध में, जो इलेक्शन लड़ते हैं हमारी जमायत के, वो सब पीपल्स पार्टी में हैं। शाह महमूद साहब के साथ कोई भी नहीं है। तो ये एक सहारा लेने के लिए, इमरान खान को एक धोखे में डालने के लिए, एक धोखा देने के लिए ये साजिश की गई कि लोगों को इकट्ठा करो दीन के नाम पर और लीडर को दिखाओ कि ये मेरे वोटर हैं। तो पीपल्स पार्टी में जब तक थे उनको ये चीज सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा काफी बरहम नजर आया हमने देखा उस फुटेज के अंदर। आपने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, उनकी जमीन के हवाले से भी बात की, तो कहां से आई उनके पास ये जमीन? और आपने एक स्पेसिफिक बात की कि कब्रों का सौदागर, तो इससे क्या मुराद है? कोई इदारा मुझसे पूछे, मैं बहुत कोशिश कर चुका पिछले 6 साल से, लेकिन मकामी इंतज़ामिया पुलिस इन्होंने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। अच्छा, को ना, ये अभी ऑपोजिशन में भी हैं लेकिन एमएनए रहे हैं, और इक्तदार में जो भी होता है या एमएनए जो होता है, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि उसकी थोड़ी सुनवाई ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। तो बरमला मेरी कोशिश करने के बावजूद जब इस चीज़ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैं भी खामोश हूँ। अगर कोई एजेंसी मुझसे पूछना चाहेगी, ये नहीं कि मेरे पास सबूत नहीं है, सबूत है तो मैंने बात की है जी। सबूत के बगैर मैं ये बात कभी भी ना करता। मुझे भी पता है कि मैं किस पे इल्जाम लगा रहा हूँ और मुझे भी पता है कि मैं किसका बेटा हूँ, तो ऐसे इल्जाम नहीं है। लेकिन ये अगर जो पूछेंगे मुझसे, मैं उनसे उसी मौके पे ये बात करूंगा। और दूसरा आपका सवाल था कि मैंने शाह महमूद को कब्रों का सौदागर, ये मेरे भाई अल्फाज मेरे नहीं, मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जहाँ भी जाता हूँ, आखिर मेरे भी मिलने वाले हैं, दूसरी पार्टी से ताल्लुक भी रखते हैं, कुछ गैर सियासी लोग भी हैं, सब ने मिलकर शाह महमूद का नाम किए रखा है, मैंने मेरी जात। अच्छा, एक बयान और दिया था और उसमें आपने कहा था कि ईमान चाहिए या फिर इमरान, इससे इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पर भी बड़े सवालात उठते हैं, लेकिन साथ साथ इसका ये भी एक मतलब निकलता है कि इमरान वर्सेस ईमान है, तो इसका मतलब ये कि जो जो इमरान खान के साथ है वो सब बेईमान है। आप इसको देखें, इसको देखें और रंग दे रहे हैं जी। इस सवाल का जवाब मैं आपको पहले बड़े आसान लफ्ज में दे चुका हूँ कि इमरान और ईमान की बात मैं नहीं कर रहा, ये ईमान और इमरान की बात शाह महमूद कर चुके हैं। अभी हालिया ये सिंध गए हुए थे, आप इनकी जो तकरीरें इन्होंने वहाँ की हैं उनका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब चीज़ें मौजूद पड़ी हैं। आप उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए, किस तरीके से वहाँ उन फैमिलीज को बुरा और बाला कहा गया जिनसे मेरे दादा मेरे वालिद के ताल्लुकात हैं और बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, उन फैमिलीज को, जरदारी फैमिली, मेरे जरदारी साहब लीडर भी हैं पार्टी के, लेकिन इससे हटके भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो जरदारी साहब, इनसे हमारे बाप दादा के मरासिब भी आ रहे हैं। वो सियासत से हटके थे, वो सियासत नहीं थी, वो पुरानी फैमिलीज की एक जो रवादारियां और वजादारियां थी वो थी, शाह महमूद साहब उसको रोलता जा रहे हैं। सियासत का मतलब ये नहीं कि आप वालिद के ताल्लुक जितने भी हैं उनको रोनते हुए निकल जाएं। सही, ठीक है। अच्छा सर, जानिब से जितने भी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके बाद आपको क्या लगता है कि शाह महमूद कुरैशी रिजर्व करते हैं इस गद्दी के हवाले से, और मुरीदैन का क्या कहना है?
अरे भाई गद्दी पे मौजूद रहना गद्दी ये बादशाहत की गद्दी नहीं है। ये मैं आपको एक चीज वाजे कर दूं कि ये बादशाहत की गद्दी नहीं कि बेटा बाप के बाद उसके बाद उसका बेटा ये तो हमारे दीन में भी नहीं है जी। हमारा दीन इस्लाम इस चीज की तो इजाजत भी नहीं देता। हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। अगर शाह महमूद साहब अपना रवैया बदल लेते हैं और दरबारों की खिदमत और इस चीज को वापस इस चीज के ऊपर आ जाते हैं जी। 100 दफा बैठे मुझे क्या एतराज है जी। चैलेंज जी बहुत शुक्रिया मुरीद कुरैशी साहब आप हमारे साथ थे। और ओवरऑल जो ये तमाम तक सिचुएशन हमने देखी बड़ी घनघोर हाँ। उनकी जानिब से की गई उससे ऊपर आप बातचीत कर रहे थे लेकिन उनकी बात से सब मुझे एक बात समझ आ रही थी कि वो सारी बातें कह रहे हैं कि ये मेरा नहीं कहना ये लोगों का कहना है तो सारा मुद्दा जो है उन्होंने लोगों के ऊपर डाल दिया कि जी मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ तो वो ये बातें मुझसे। चलिए जी जब अगले शो में फिर हम शाह महमूद कुरैशी साहब को लाइन पे लेंगे और फिर उनका भी मौकफ जानेंगे। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा मैं डोंट गो एनीवेयर स्टे विद अस कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में सहाफी बरादरी गैर महफूज नजर आ रही है। कल अदम BLF ने बलूचिस्तान में अखबारात के दफातर और अखबारात की तरसील बंद करने की धमकी दी थी और दहशतगर्द तंजीम की जानिब से ये अल्टीमेटम 24 अक्टूबर तक था जो कि अब खत्म हो चुका है जिसके बाद दहशतगर्दी फैलाने के लिए बलूचिस्तान के सनती शहर हब में नामालूम मुसल्ला अफराद ने प्रेस क्लब पर दस्ती बम से हमला किया। तहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन इतलात इस तरह की है कि हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। वहाँ के सहाफियों को कौन तहफ़ फराहम करेगा और अखबारात की बंदिश और तरसील रोकने से क्या ये हमले बंद हो जाएंगे इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हसन अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। बहुत खुशी हुई कि आप आए और इंतहाई अहम मसला है ये एक दफ़ा फिर से आज़ादी सहाफत पर वार और एक दफ़ा फिर से सहाफ़ियों के साथ वही सब करने की कोशिश की जा रही है क्या लगता है सर? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे यहाँ हाँ। जो जाहिर है मेरी फील्ड है और उससे रिलेटेड ये आप हाँ। कर रहे हैं तो ये भी एक हिम्मत की बात होती है कि आपने इस पे इनिशिएटिव लिया और ये प्रोग्राम किया जी। बदकिस्मती जो आप बात कर रही हैं कि इस मुल्क में बदकिस्मती यही है कि यहाँ पे जिस तरह से सहाफत के बारे में हम बात तो बहुत करते हैं कि आज़ादी सहाफत है और हमें बहुत सारे राइट्स हैं जी लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी हम उस स्टेज पर पहुँचे नहीं हैं ठीक ना हमारी सोसाइटी उस स्टेज पे पहुंची है कि जिसमें इतनी टॉलरेंस हो कि वो बात को बर्दाश्त कर सकें या तनकीद को बर्दाश्त कर सकें। दुरुस्त को दुरुस्त भी नहीं कह सकते आप तो अभी बहुत काम इस पे करना बाकी है। हाँ ये ज़रूर हुआ है कि हम अपनी बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जावियों से। ये जो सूरत हाल बलूचिस्तान की है ये आज से नहीं है ठीक। ये पिछले आप 20 साल देखें या उससे पहले भी देखें आप जब यहाँ पर माशाल्लाह नहीं भी था तो यहाँ मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ मूवमेंट्स चलती रही हैं ठीक। फिर 5 साल पहले आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज और इस किस्म की चीज़ें जी। मैं ये पूछ रहा हूँ इन हकूमतों से चाहे वो फौजी हकूमतें थीं या जमहूरी हकूमतें हैं ये आप पैकेज क्यों देते हैं इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने खराबी की हुई है जी। तो पहले तो एड्रेस करें उस खराबी को कि वहाँ के लोगों के मसाइल एक्चुअल हैं क्या। ये आप टेम्परेरी फेस के लिए आप एक काम करते हैं हाँ। कि पैकेज दे दिया ये नहीं है पैकेज से नहीं होगा ये डील नहीं है नाइट डील नहीं है आपकी कि आपने सस्ता मिल रहा है आपने खा लिया महंगा मिल रहा है आपने खा लिया ये हाँ। इस किस्म की चीज़ें छोड़नी चाहिए सही। जो बुनियादी इश्यूज हैं उनके हाँ। उन पर बात करनी चाहिए और एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। देखें ये सारा उससे रिलेटेड है आज़ादी सहाफत भी उससे भी रिलेटेड है और जो दीगर जो बातें हैं वो भी कि वो कह क्या रहे हैं क्या आज तक तो हमें नहीं समझ में आया कि उनके मसाइल क्या हैं वो क्या चाहते हैं और उन्हें जवाब क्या दिया जाता है तो अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त ये जरूर जानना चाहूंगी कि BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है तहफ़ुज़ात क्या है अब तो कुछ वाज़ेह हो सके हैं क्या उन्हें खदशात पेश आ रहे हैं और दूसरा ये कि जो जर्नलिस्ट की यूनियन है इस हवाले से ये जो वहाँ पर अब धमकियाँ आ रही हैं इस हवाले से उनको तहफ़ुज़ फराहम करने के लिए क्या देखें ये तो बहुत ही बदकिस्मती की बात है ना बहुत अक्सर ये होता है कहीं प्रोग्राम में जाते हैं हम नारे भी लगाते हैं सड़कों पर सहाफ़ियों को तहफ़ुज़ दो तो तहफ़ुज़ ये नहीं है कि आप उसके साथ हर आदमी के साथ एक जर्नलिस्ट के साथ एक गार्ड खड़ा कर देंगे एक असला बरदार खड़ा कर देंगे। असल में जो हम बात कर रहे होते हैं उसका मकसद ये होता है कि सहाफ़ियों को तहफ़ुज़ देने का सहाफ़ी भी इसी माशरे से
बिलोंग करता है ना, तो आप अपनी गवर्नेंस इस तरह की बनाएं कि हर आदमी को तहफ़ हो, ठीक, जब उन्हें तहफ़ मिलेगा सहाफ़ियों को भी मिलेगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे साथ कोई जाती हुई होती है, हम वो नारे लगाते हुए बाहर आते हैं, या सिविल सोसाइटी आती है, या दीगर और नारा लग रहा होता है, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ओवरऑल मुल्क में सूरत हाल ऐसी हो कि अमन हो और हर आदमी खुद को महफूज समझे, उसका जान माल ये रियासत की जिम्मेदारी है, तो रियासत वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा बिल्कुल, रियासत के हवाले से आपने सवाल उठाया कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है या नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इस तरह के इकदाम होते हैं। और जब सहाफ़ियों की बात होती है और ख़ास तौर से अभी हब की बात करें जहाँ पर सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद और क्या इम्प्लीमेंट करने चाहिए? देखिए मैं आपकी बात यहाँ कतः कलामी हो रही है, जो अभी एक बात करी थी यूनियन के हवाले से, यूनियन बुनियादी तौर पर जो डे टू डे मसाइल होते हैं उनको देखती है, सहाफियों को धमकियां, कोई आज से नई चीज़ नहीं है, जो इस फील्ड में आता है वो अपनी चॉइस से आता है और उसे इन सारी चीज़ों का पता होता है कि हर चीज़ उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, नहीं हो। तो यूनियन का काम ये होता है कि उस फेस से सहाफियों को अपने निकालने के लिए, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए, उनकी स्किल जो है उनके शोबों में बढ़ाने के लिए उसकी तरफ बुनियादी तवज्जो देती है। फिर इश्यूज आते हैं, सैलरीज के इशू आ गए, कहीं उनके जॉब्स का इशू आ गया, ये होता है, लेकिन यूनियन जो है उनकी सिक्योरिटी नहीं दे सकती। लेकिन राइट्स के लिए आवाज उठाने का काम आवाज आप बुलंद करते हैं, मैंने वही बात कही ना कि आवाज आप एक हद तक बुलंद करते हैं, लेकिन वो भी जैसे बलूचिस्तान में ये थ्रेट आया या हब में हमला हो गया, अब आप मुझे बताएं जो मेरे साथी वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं लोग, चाहे वो सहाफी है या नहीं है, लेकिन वो उस बिल्डिंग में काम करने वाला एक उस इसका हिस्सा, उस मीडिया हाउस का, मैं अचानक एक जज्बात में आके जो सूरत हाल वहाँ पैदा हुई है उनके मशवरे के बगैर यहाँ आके सड़क पे एक एजिटेशन शुरू कर देता हूँ, वो लोग जिन्होंने धमकी दी और फिर अमली तौर पे वो करके दिखाया कि एक चाहे अलामती तौर पे डराने के लिए कि जी ये हमने डेडलाइन आपको दी है और अब हमने इसका रद्द अमल ये शुरू किया, तो ऐसे ही जो लोग ये काम कर सकते हैं अपने टारगेट के मुताबिक, वो तो मेरे बहुत सारे जो वहाँ काम करने, तो यूनियन को बहुत उसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है कि हमने वहाँ देखना है कि वहाँ लोग क्या चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं वो हमें बेहतर बता सकते हैं, उस पर फिर हम PFUJ की सतह पे, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सतह पे, फिर UJ जो पूरे मुल्क की हैं, फिर आप उसके साथ मालिकान की तंजीमें हैं, APNS है, CPNE है, आपकी PBA है, तो ये सारी तंजीमें देखें, ये वक्त आ गया है कि सबको एक जगह, आपको चाहे वो साफियों में भी तंजीमें हैं उनमें ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग के बावजूद सबका एक चीज पे इत्तफाक है कि अगर कहीं कोई इस किस्म का एक्ट होता है तो सब सड़क पे होते हैं, सड़क पे होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सबको एक डायलॉग की पहले तो ये जरूरत है कि इस सतह पे हो, फिर नेशनल लेवल पे होनी चाहिए कि वहाँ के सूबे के मसाइल क्या है, फिर एक कोई लाहे अमल, जब आपके पास कोई चीज सामने ही नहीं होगी तो आप, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरा अपने एंगल से सोच रहा होगा, तो एक डायलॉग की जरूरत है कि सब तंजीमें साफियों की हों चाहे वो मालिकान की हों, एक जगह बैठे उसके ऊपर। सर अभी आपने लाहे अमल के हवाले से बात की कि एक प्रॉपर लाहे अमल होना चाहिए, नेशनल लेवल के ऊपर भी ये आवाजें बुलंद करनी चाहिए, अभी इससे पहले भी हमने देखा एक दौर आया था जब हमारे जो मीडिया के इदारे उनके ऊपर हमला किया जा रहा था, क्रैकर हमले किए जा रहे थे, इवन मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी वहां पर भी ये हुआ था, तो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज बढ़ चुकी थी, वहां पर अगर आप अभी भी देखें तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज बढ़ा दी गई हैं, इसके अलावा कोई प्रॉपर हिकमत है हमने अभी तक तय नहीं की। नहीं देखें, पहले से तो आपको एक चीज का एतराफ करना चाहिए कि ये शहर कराची जो है आज से 2 साल पहले का और आज का कराची बहुत फर्क है। बिल्कुल सही है। इस दफ्तर पे भी बहुत बड़ा अटैक हुआ था। बिल्कुल जी, ठीक है, मैं जिस इदारे में काम करता हूँ एक्सप्रेस में, वहाँ पे भी बहुत बड़ा अटैक हुआ और 2-3 दफा हुआ वहाँ पे, हमारे लोग जख्मी भी हुए उसमें, ऐसे ही दीगर इदारे हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे इदारे हैं। सर ओवरऑल आज यहां आने का मकसद, वो जो जो एक हिकमत अमली के तहत यहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने, रेंजर्स हो, पुलिस हो, दीगर इदारे हो, उन्होंने मिलकर एक टीम वर्क किया और उस चीज को कि जहां से ये हो रहा था उसको एड्रेस किया और उसका खात्मा किया, लोगों ने भी उसमें अप्रिशिएट किया, क्योंकि हर आदमी जो अपने घर से निकला है वो ये चाहता है कि सुकून के साथ अपने जॉब पे जाए, वापस आए, हर फैमिली की ख्वाहिश होती है कि उसके घर से जो भी शख्स जा रहा है वो वापस खैर खैरियत से आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरत हाल बेहतर है। तो ऐसी एक हिकमत अमली बलूचिस्तान में क्यों नहीं अख्तियार की गई? अगर अगर आपको पता है कि ये ग्रुप ये काम कर रहे हैं, ये थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उसको बहुत
केयरफुली देखें, ज़रा सी हर इलाके की एक अलहदा से सूरत हाल होती है। कराची और तरह का शहर है, बलूचिस्तान के साथ मसला ये है कि आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मदाखलत इस साइड पे होती है, और वो ग्रुप्स जो इस किस्म के एलिमेंट्स हैं जो आपको थ्रेट कर रहे हैं, उनमें कलदन तंजीमें हैं, उसमें जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो हैं, फिर वहाँ पे आपके एक बॉर्डर एरिया के साथ जितना भी एरिया है वहाँ पे आप देखें कि इंडियन कॉन्सुलेट आपके जगह जगह खुल चुके हैं, वहाँ से किस किस्म की तो आपके जासूस वहाँ से पकड़े जाते हैं, तो वो सूबा तो एक आपने तख्ता मश्क बनाया हुआ है, तो ये भी आप देखना होगा कि आया वो किसी अलहदगी पसंद तंजीम की धमकी है या उनकी आड़ में किसी और ने कोई ये काम किया है, तो ये बहुत बड़ा इशू है कि बहुत बड़ा इशू है। और हमें आपको आज यहाँ बुलाने का मकसद ही यही था कि आप सहाफ़ियों के हवाले से बात कर सकें कि जी हमें तहफ़ चाहिए और एटलीस्ट जो हमारी आवाज़ है वो एक ही आवाज़ है इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफियाँ होती है। बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास साहब हमारे शो पर आए और बहुत उन्होंने जामे गुफ्तगु की इस हवाले से, और सहाफियों को तहफ़ फराहम करना बिल्कुल ये रियासत की जिम्मेदारी। चले जनाब लेंगे यहाँ पर अब एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मच जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग एप्स। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग एप्स। और अब कुछ जिक्र पेशावर के हल्के NH4 का, जहाँ खिलाड़ियों ने जोर मारा, मुस्लिम लीग नून कुछ ना कर सकी, ANP ने कोई कमाल ना किया, सियासी मैच PTI ने जीत लिया, अरबाब आमिर ने 45,000 से ज्यादा वोट लेकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम मुखालफीन को शिकस्त दे दी। लेकिन जमनी इलेक्शन में कोई जाब्ता इखलाक जो है वो नहीं उसको खातिर में लाया गया, कानून की धज्जियां भी उड़ाई गई, जीत की खुशी में कारकुनान ने बंदूकें तक निकाल ली, इलाके में गोलियों की थरथराहट जो है वो सुनाई दे रही थी, इवन फायरिंग ने 16 साल लड़के की जान भी ले ली। ज़िमनी इलेक्शन में PTI की कामयाबी और मौजूदा सियासी सूरतेहाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में वीडियो लिंक पर मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आरिफ अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सर सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि PTI ने मैदान मार लिया है, आपका हल्का है, आपने जीता था, लेकिन कुछ ऐसा महसूस नहीं होता जिस तरह से NA 120 में नून लीग अपने हल्के में कामयाब तो हुई लेकिन PTI ने टफ टाइम दिया, इस बार आपको आपके हलके में नून लीग की जानिब से टफ टाइम मिल गया? जो NA 120 के अंदर हाल था उसके अंदर एक महीना पहले से PTV पूरे 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 कई कई घंटे के प्रोग्राम मरियम नवाज के दिखा रहे थे और जो कुछ हो रहा था, तो लिहाजा ये एक बड़ी बड़ी रिसाउंडिंग विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास की PML नून JUI सुनिए ना, PML नून, अब आपने कोई खामी अगर आपने कोई खामी निकाली, ये बताइएगा कि ये बात दुरुस्त है कि टर्नआउट कम रहता है ना कहीं, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि PMLN सुन तो लीजिए, नून जी सर बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि टर्नआउट कम रहता है ज़िमनी इंतखाब में बनिस्बत आम इंतखाबात के, है ना, इसको। अच्छा सर ये बताइएगा कि टर्नआउट के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो टर्नआउट वैसे भी कम रहता है ज़िमनी इंतखाब के निस्बत आम इंतखाबात का, जो जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसमें टर्नआउट कम ही रहता है आम इंतखाबात के निस्बत, लेकिन नून लीग आपके करीब तर पहुंची भी है, और अगर नून लीग थोड़ी सी मेहनत और कर लेती, आप ज़रा सी छू कर लेते, तो क्या लगता है आपको कि नून लीग जो है उसको वोट बैंक उसका ज़्यादा होता? क्या समझते हैं आपके जो वोटर्स हैं नून लीग के इस बार कितने थे वो? जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो आप ये रिसर्जेंस देखेंगी, इस वजह से देखेंगी कि इसके अंदर तो हमें दो हफ्ते से हमारे लोग दो हफ्ते से चलिए इनकी उम्मीद है, मैं इन पर बहस नहीं कर रहा, ये तो कल परसों के टॉक शोज के अंदर तो ये कह रहे थे कि ये जीत रहे हैं, चलो अब इस बात पर आ गए कि 2018 में जीत जाएंगे, है? तो मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने, मैं आई विश बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपके रहनुमा आरिफ अरबी साहब हमसे बात कर रहे थे और NA 4 के हवाले से जो है गुफ्तगुनीद हो रही थी उनसे, और काफी ज्यादा जो है वो यही बात कर रहे थे कि जी इतनी ज्यादा कैंपेनिंग की गई थी NA 120 में, तो फिर उनकी जो जीत थी वो तो मुमकिन जीत थी। बिल्कुल जनाब, बात सारी ओवरऑल यही है कि जीत एट दी एंड तहरीक इंसाफ की हुई है, लेकिन टफ टाइम ANP की जानिब से भी दिया गया है और नून लीग की जानिब से भी दिया गया है, पर जीत जो है वो तहरीक इंसाफ का ही मुकद्दर रही। चलें जनाब, तो आज की हिस्ट्री के हवाले से आपको बताते हैं, और आज की जो हिस्ट्री है वो क्या है, आज के दिन यानी 27 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा की बरतरफी के बाद जनरल अयूब खान ने सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला था। सदर सिकंदर मिर्ज़ा से इख्तलाफ की बिना पर अयूब खान के इख्तलाफात बढ़ते गए और बलाआखिर
अयूब खान ने पाकिस्तान की सदारत संभाल ली और इस्कंदर मिर्जा को माजूल कर दिया। कौम ने सदर अयूब खान को खुश आमदीद कहा क्योंकि पाकिस्तानी आवाम उस दौर में गैर मुस्तहकम जमहूरियत से बेजार हो चुकी थी। जल्द ही अयूब खान ने हिलाल पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिताबात हासिल कर लिए। अयूब खान पाकिस्तानी फौज के सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा रैंक्स हासिल करने वाले फौजी थे। अयूब खान ने 1961 में आईन बनवाया जो सदारती तर्ज का था और पहली दफा तहरीरी हालत में अंजाम पाया और इसी आईन के नतीजे में 1962 में आम इंतखाबात हुए। अगरचे सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की, लेकिन आवाम मुसलसल 10 साल आमिर की हुकूमत से तंग आ गई थी। देखते ही देखते पूरा मुल्क हंगामों की लपेट में आ गया और सदर अयूब खान को मजबूरन अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। 2007 में छपने वाली अयूब खान की डायरी के मुताबिक अमरीका बराह रास्त सूरत हाल को खराब करने में मुलव्वस था। चले जनाब, आज की तारीख तो आपने जान ली है और आज ही के दिन वो दिन था जिस दिन फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा मलिका जज्बात नैयरा सुल्ताना को हमसे बिछड़े आज 25 बरस बीत गए हैं। जाने से पहले उनकी कुछ गीत आपको भी सुनाऊंगा। और गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज। अभी आपको बताएं कि आज फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा मलिका जज्बात नैयरा सुल्ताना को दुनिया से गुजरे 25 बरस बीत गए हैं और इसी हवाले से हम उनको खराज तहसीन